नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ए एस मैथ्स अकेडमी। मैं आपका दोस्त अरविंद सुमन। दोस्तों, आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 की दृष्टि से एक छोटी सी जानकारी आपके लिए देने जा रहा हूं, जो ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आपके लिए सही साबित हो सकती है, और यदि आपके लिए सही साबित हो गई तो दोस्तों आपका सिलेक्शन 100% होना ही है। और ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये तभी सही साबित होगी जब आप मेरी ट्रिक के अनुसार काम करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ आपको कि दोस्तों आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में 80% मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ये 80% मार्क्स यदि आपने आ गए तो आपका सिलेक्शन तय है। तो दोस्तों आपको फोकस ये करना है कि आपको पहले तो ये सब्जेक्ट, तो आपको सभी को पता होंगे दोस्तों कि जो जनरल नॉलेज है यानी सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में दोस्तों आप नॉर्मल से मार्क्स आप 15 से 17 आपको लाना जरूरी है। और दोस्तों 15 से 17 मार्क्स आप ला सकते हैं, यानी 15 to 17 मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं, बट आप ला सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तब। सेकंड थिंग ब्रदर, आपको पता कि कंप्यूटर हमारी आज की बिल्कुल जनरल नॉलेज में तो है ही, और हमारी दैनिक दिनचर्या में भी उपयोग होने लगा है, तो कंप्यूटर के बारे में मैक्सिमम सभी लोगों को पता होता है, तो इसमें आप 17 से 18 मार्क्स कवर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, पंचायती राज व्यवस्था, ये भी पोर्शन बहुत छोटा है, बट पंचायती छोटा है, थोड़ी सी राज व्यवस्थाएं थोड़ी सी बड़ा है, तो इसमें आप नॉर्मल नॉर्मल 16 से 18 मार्क्स को कवर करना जरूरी है। अब गणित में थोड़ा सा सभी लोगों का ठीक नहीं होता है, किसी का कमजोर होता है, किसी का अच्छा होता है, तो नॉर्मल मार्क्स आप 15 से 18 के बीच में आप गणित के मार्क्स आपको जरूरी है। सेकंड थिंग, हिंदी, हिंदी तो नॉर्मल है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, शुरू से देखते हैं, शुरू से जानते हैं, तो आप इसमें मेरा मानना है कि आप 18 से 19 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने गणित और हिंदी में और सभी सब्जेक्टों में मेरे बताए अनुसार यदि इतने मार्क्स आप लाते हैं, तो आपको पता है कि आप जो मार्क्स लेके आने वाले हैं दोस्तों वो कम से कम कितने लाएंगे, कम से कम 80% से 85% के बीच में आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो दोस्तों अब 80 से 85% के बीच मार्क्स आने वाले हैं, तो आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन थोड़ा नहीं, 99% आप सोच के चलिए कि 99% आपका सिलेक्शन होना है। अब 99% सिलेक्शन के लिए हमारे लिए सबसे गौर करना होगा इस बात पे कि सामान्य ज्ञान को इस के बीच में ही तैयारी करें कि इसके बीच में हमें मार्क्स मिल जाएं, कंप्यूटर में इसके बीच में मार्क्स मिल जाएं, पंचायती राज व्यवस्था में, मतलब इस तरीके से। यदि ये मेरा कैलकुलेशन है कि यदि आप सभी सब्जेक्टों को इस मार्क्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं, तो दोस्तों 101% आपका सिलेक्शन होना है। क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, और मैं आपको बता दूं कि 9300 समथिंग मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में भर्ती है, ये वैकेंसी है। इसके बाद इसमें पहली बात तो आपको ये बताऊं कि फिजिकल की तैयारी करने की आवश्यकता है नहीं, इसमें तो सीधा सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नॉर्मल से नॉर्मल इसमें 15,000 से 18,000, यानी 15,000 से 18,000 स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, और 15 से 18 हजार स्टूडेंटों को बुलाने के बाद इस मैटर को क्लोज कर देंगे, और 9,300 जो समथिंग है वो वैकेंसी कंप्लीट करना है उनको। तो दोस्तों यदि आपको इस 9,300 वैकेंसी में यदि एक सिलेक्शन अपना चाहिए, तो आपको इसके अनुसार, इन मार्क्स के अनुसार, इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों हमारी आप सभी के साथ बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका सिलेक्शन जरूर हो। आप मेहनत कीजिए, इस सब्जेक्ट के स्कोर के अकॉर्डिंग ही देखिए कि इन सब्जेक्ट को हमें कितना पढ़ना है, कितनी तैयारी करना है। तो जब तक के लिए नमस्कार, आपका दोस्त अरविंद सुमन। और दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सलाह के साथ।